हरे कृष्णा राधे राधे। दोस्तों चलिए हम लोग अपने माधव जी के चरण धुलते हैं। इनको चरण को अच्छे से चंदन हम निकाल देंगे। इस चंदन को, चंदन वाले पानी को हम पूरे घर में छिटकेंगे। जो बच जाएंगे उसको हम क्या करेंगे, अपने तुलसी जी में डाल देंगे। क्योंकि ये चरण चंदन वाला पानी जो होता है बहुत ही अच्छा होता है, ठाकुर जी का घर को बहुत ही नकारात्मक शक्ति से बचाता है। चलिए हम अपने ठाकुर जी के चरणों का दर्शन आज कराते हैं। दोस्तों आज हम चंदन इनको नहीं लगाएंगे, आज इनको चरण का दर्शन आप लोगों को कराते हैं। देखिए पायल पहना दिए हैं, दो दो पहना है आज। अब हम इनको अच्छे से सजाएंगे क्योंकि चरण दर्शन भी थोड़ा अच्छे से आप लोगों को करना है। बिहारी जी का दर्शन नहीं हो पाया तो हम सोचे आप लोगों को हम अच्छे से दर्शन करा दें। अगर ये दर्शन आपको पसंद आता है तो लाइक सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करिएगा कि मेरे माधव जी का चरण दर्शन करके आपको कैसा लगा। अब ये देखिए पूरा लुक है इनका, सिंहार होने के बाद देखिए इनका इस तरह से लुक है। उस दिन तो हम जल्दी जल्दी में उतना अच्छा से आपको दर्शन नहीं करा पाए थे दोस्तों, आज मैं करा रही हूँ। आज हम इनको चंदन का सिंहार नहीं किए हैं पैरों में, नहीं तो डेली चंदन का ही सिंहार कर रहे थे। देखिए मेरे माधव जी के दर्शन करिए मेरे दोस्तों। अब कुछ लोगों का रिक्वेस्ट भी आया था कि शालिग्राम जी को वस्त्र पहना के आप दिखाइए, तो देखिए शालिग्राम छोटे भी आते हैं बड़े भी आते हैं। तो अगर बड़े हैं तो उनको उनके वस्त्र आते हैं तो आप पहना सकते हैं, जैसे हम लोग गोपाल जी को पहनाते हैं उसी तरह से छोटे भी आता है उस तरह से आप पहना सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे पास शालिग्राम जी बहुत छोटे हैं तो हम आपको उनका श्रृंगार करके आपको दिखाएंगे। तो डेली उनको नहलाते हैं, नहला कर उनको तिलक उलक करने के बाद उनको तुलसी जी में रखते हैं। तो आज हम आपको दिखाएंगे कि मतलब कैसे उनको वस्त्र पहनाते हैं। तो हम क्या करते हैं, उनको वस्त्र पहनाने में दिक्कत आती है, बहुत छोटे हैं तो उनको रक्षा सूत्र से हम वस्त्र धारण करा देते हैं। आप भी अगर आपके पास भी छोटे हैं तो आप भी उस तरह से कर सकते हैं। हाँ, और कुछ लोगों का कमेंट आया था कि आप तुलसी जी में कैसे रखती हैं, तो आज हम वो भी आपको दिखाएंगे कि शालिग्राम जी को तुलसी जी में कैसे रखा जाता है और कैसे पूजा किया जाता है। तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को फुल वॉच करेंगे तभी आप पूरा प्रोसीजर देख पाएंगे। आप लोग पूरी वीडियो नहीं देखते हैं इसलिए आपको समझ में नहीं आता है, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है आप लोग पूरी वीडियो देखिए क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है। दोस्तों देखिए हम इनको रक्षा सूत्र से वस्त्र पहना दिए हैं। अब इनको चंदन का सिंहार कर रहे हैं, अब इनको हम तिलक करेंगे, अपने गौ माता को तिलक करेंगे। देखिए रक्षा सूत्र से कितने अच्छे से वस्त्र धारण कर लिए मेरे शालिग्राम जी। इस तरह से दोस्तों आप लोग भी कर सकते हैं, अगर नहीं भी है तो आप रक्षा सूत्र का भी वस्त्र पहना सकते हैं, जनेऊ भी आप पहना सकते हैं। दोस्तों ये आपकी इच्छा पर निर्भर करता है, आप किस तरह से उनको सजाना चाहते हैं, सब अपना अपना भाव होता है। दोस्तों देखिए अब मैं तुलसी में कैसे इनको स्थापित कर रही हूँ आप लोग देख लीजिए। अब इस तरह से हम इनको तुलसी में स्थापित कर दिए, अब हम पूजा करेंगे दोस्तों। हाँ आरती कर रहे हैं दोस्तों, मेरा पूजा सम्पन्न हो गया है, अब मैं आरती कर रही हूँ तो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ दोस्तों। हाँ दोस्तों कुछ लोगों का कमेंट आया था कि मेरा नाम ले लीजिए, तो संजय शुक्ला बेटा आप कैसे हो, आप खुश रहो बेटा, आपको हम बहुत सारा आशीर्वाद देते हैं बेटा। और आपका जन्मदिन 16 मई को है तो आप एक बार फिर से कमेंट, जब आपका नज़दीक आएगा जन्मदिन तो कमेंट कर दीजिएगा तो मैं आपका नाम ले लूँगी। दूसरा है उत्सव जी, बेटा आपको बहुत सारा प्यार, भगवान आप लोगों को ज़िंदगी में खुशियाँ, बहुत सारी खुशियाँ दे। मोना सिंह हैं, मोना सिंह को भी हमारे तरफ से बहुत सारी प्यार। दोस्तों मैं सबका नाम ले ली हूँ, आप लोगों को और भी नाम अपना लेना है तो कमेंट करके
बता दिया कीजिए कि आपका जन्मदिन है, मैरिज एनिवर्सरी है, तो मैं जरूर लूंगी दोस्तों। और संजय जी, संजय बेटा, आप जरूर से अपना कमेंट हमको 14 तारीख में दे दीजिएगा ताकि हम आपके जन्मदिन को विश कर सके। बेटा जी, बहुत लंबी उम्र हो आपको, भगवान आपको सभी दुखों से बचा के रखे, हमेशा खुश रहो मेरे बेटे, हमेशा खुश रहो मेरे लल्ला। मेरा बहुत सारा प्यार आपके साथ है बेटा, आप बहुत अच्छे हो, बहुत क्यूट से बच्चे हो बेटा। मोना सिंह, आपका नाम मैं ली थी, आप पूरा वीडियो जब देखेंगी तभी आपको समझ में आएगा। आपको भी हमारे तरफ से ढेर सारा प्यार, भगवान आपको हमेशा खुश रखे। देखिए मेरा पूजा संपन्न हो गया है, अगर ये पूजा आपको पसंद आता है दोस्तों तो लाइक सब्सक्राइब और कमेंट्स किया कीजिए। या दोस्तों वीडियो को फुल वॉच जरूर करिए, जिससे आपका सपोर्ट हमें पूरा पूरा मिले दोस्तों। देखिए मेरे बिहार